विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की इंसान ने यही तरीका ढूंढ निकाला है शक्ति के द्वारा अच्छा फील करना। इसलिए दुनिया में सभी लोग शक्ति के पीछे है, भक्ति के पीछे नहीं है। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं, यह संभव है। आपकी कृपा से यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें, वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है, स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें, बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे
आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाए। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाए, हैप्पी हैट में रह पाए। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास, सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं। ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता, ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें, किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, डीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य
देखना है, सत्य का आवाहन करना है, तंदुरुस्ती संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तपर्पण करेंगे सभी के मंगल के लिए, अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। कि हकीकत में इंसान क्या चाहता है, अच्छी फीलिंग चाहता है और टेम्पररी उसको मिलती है, मगर हम टेम्पररी गुड फीलिंग में नहीं जाना चाहते हैं। स्थाई फीलिंग क्या है, कब मिलती है? शक्ति प्रदर्शन से नहीं, हवा और धूप में शक्ति प्रदर्शन की बातें हुई। हवा कहती है मैं महान, धूप कहती है मैं महान, दोनों का झगड़ा। ऐसी कहानियां आप सुनते रहते हो। हवा ने कहा चलो मैं बताती हूँ कैसे साबित करें। एक कोई इंसान जा रहा है कोट पहनकर, इसका कोट जो उतरवाए वो श्रेष्ठ। तो हवा ने कहा मैं तो तुरंत करती हूँ, इतनी जोर से लगती हूँ कोट ही उड़ जाएगा उसका। अब वो जितनी तेजी से चल रही है वो कोट उतना पकड़ रहा है, अपने कोट को उतना पक्का पकड़ रहा है। बहुत कोशिश की हवा ने, कोट नहीं उतरा। पर्सन उड़ने को तैयार है मगर कोट निकलने को तैयार नहीं है। तो आखिर थक गई हवा कि नहीं हो रहा है। फिर धूप ने क्या, धूप तेज हो गई तेज, और उसने खुद ही उतार दिया। उस इंसान ने कोट खुद ही उतार दिया। तो ऐसी कहानियां क्या बताती हैं कि सदियों से ये चलता आ रहा है, इंसान ने यही तरीका ढूंढ निकाला है शक्ति के द्वारा अच्छा फील करना। इसलिए दुनिया में सभी लोग शक्ति के पीछे है, भक्ति के पीछे नहीं है, सभी शक्ति के पीछे है। और बच्चा बोलेगा जल्दी मैं बड़ा हो जाऊं, क्योंकि बड़े जो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, सब मेरे ऊपर ऑर्डर डालते हैं, मैं किसी को ऑर्डर दे नहीं सकता, तो मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं। बच्चों का सपना यही चल रहा है, जल्दी बड़ा हो जाऊं ताकि मैं भी जहां जाना चाहूं जा पाऊं, अभी मुझे पूछना पड़ता है। तो उसकी भी चाहत वही है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, सभी इसी दौड़ में हैं। तो क्या चाहते हैं? शक्ति। चार मुख्य शक्तियां। पहली शक्ति उसमें बाहुबल, पर्सन शरीर की ताकत के साथ लोगों पर हुकूमत करना चाहता है, बाहुबल। दूसरी शक्ति बहुत धन, पैसे की ताकत से वो चाहता है सभी को कंट्रोल करे, पैसा है तो सब जी हुजूरी करेंगे। तीसरी शक्ति है बहुजन, बहुजन यानी बहुत लोगों के कॉन्टैक्ट्स, बहुत लोगों के कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारे रिश्ते, बहुत से लोग हैं आपको वोट देने के लिए, बहुत से लोग आपकी सिफारिश करने के लिए। तो लोग बहुजन चाहते हैं, या फिर बेहतर पद। चौथा बेहतर पद, बहुत धन चाहिए, बाहुबल चाहिए, या बहुजन चाहिए, या बेहतर पद, दूसरों से पद ऊंचा हो। तो ये अगर है तो दूसरों पर कंट्रोल है। इन्हीं चार शक्तियों में वो लगा हुआ है, और चारों से ऊपर कुछ होगा, वो क्या है? वो है आत्मबल, वो है आत्मबल। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।